तो क्या बस इंडिया सर्वर के लिए हम लोगों को लॉगिन हिस्ट्री तो पहले देखने को मिला है, लेकिन अकाउंट मैनेजमेंट आने वाला है। तो आने वाला है उससे पहले ही मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि अकाउंट मैनेजमेंट कैसे काम करेगा। आप लोग आपकी आईडी मल्टीपल अकाउंट से कैसे लॉगिन करके सेव कर सकते हो, तो एडवांस में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारा अकाउंट मैनेजमेंट। तो ये अकाउंट मैनेजमेंट अभी के लिए आप लोगों को इंडिया सर्वर में नहीं देखने को मिला है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। क्यों नहीं देखने को मिला, तो बहुत सारी चीजें जो इंडिया सर्वर में धीरे धीरे आता है, मतलब ये लॉगिन हिस्ट्री इन लोगों को 3 पेज अपडेट पहले दे दिया था, और अभी इंडिया में हमारा रिसेंटली पेज वो भी 43 के अंदर ही दिया है। तो गरीना फ्री फायर इंडिया में पता नहीं क्यों काम स्लो करते, बाकी सर्वर के लिए जल्दी देते, लेकिन आता सेम टू सेम है। आप लोगों को फ्यूचर में ओबी 44 या ओबी 45 में ये देखने को मिल जाएगा, दो वर्जन के अंदर, एक ना एक के अंदर तो जरूर आएगा। तो इसको कैसे यूज करना है मैं आप लोगों को एडवांस में समझा देता हूँ। तो मेरा जो अभी अकाउंट है आप लोग देख सकते हो, राज गेमिंग 3 जो दिख रहा है वो जीमेल पे दिख रहा है, मतलब जीमेल से मैंने ये अकाउंट बना के रखा है। लेकिन मुझे चाहिए कि जीमेल पे मुझे भरोसा नहीं है, मतलब ये भरोसा वाली जो बात है ना, वो आप फेसबुक के लिए कर सकते हो। फेसबुक की आईडी डिसेबल हो जाती है, हैक हो जाती है, तो आप लोग फेसबुक पे भरोसा नहीं कर सकते हो। तो आप लोग ये समझ गए, जीमेल पे तो पूरा भरोसा आप लोग कर सकते हो। तो अभी मेरा जो मेन अकाउंट है अकाउंट मैनेजमेंट के अंदर, आप लोग देखो मेरा मेन अकाउंट किस पे है, जीमेल पे है, जीमेल पे मेरा मेन दिख रहा है, लेकिन नीचे दो और ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है, फेसबुक और विकिपीडिया। तो फेसबुक से मुझे बाइंड करना है, तो जस्ट मैं बाइंड पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरा फेसबुक से हो जाएगा भाई। ये देखो होने लगा, लेकिन मैं नहीं करना चाहता क्योंकि ये अदर सर्वर की आईडी है, मेरा फेसबुक पे मेरी मेन आईडी है। तो ये सिर्फ मैंने क्लिक करके आप लोगों को दिखा दिया, साथ में विकिपीडिया से भी आप लोग कर सकते हो। तो इससे क्या फायदा होगा, हमारा क्या फायदा राज भाई? तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फेसबुक है उसके साथ बहुत सारे हमारे पंगे हो जाते हैं। कुछ बंदों के हमारा फ्री फायर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों ने आईडी को कोई भी कुछ नहीं किया, मतलब एक बैग कुछ यूज नहीं किया, लेकिन उनका फेसबुक है वो डिसेबल हो गया या ओटीपी नहीं जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हजारों प्रॉब्लम होते हैं फेसबुक के अंदर। तो ऐसे में आपके पास अगर ये हमारा अकाउंट मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल गया तो आप लोग उसको मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो, मतलब सेम टू सेम आईडी को आप लोग मल्टीपल अकाउंट से लॉगिन करके रख सकते हो, मतलब जीमेल से आप लोग लॉगिन करके रख सकते हो, फेसबुक से लॉगिन करके रख सकते हो। तो इससे फायदा क्या होता है, तो एग्जांपल से हमारा ये मेरा जीमेल से है, तो मेरा फेसबुक से भी सेम टू सेम है और जीमेल से भी है, तो मुझे लॉगिन करना है, तो जस्ट यहाँ साइन अप विद गूगल पे क्लिक करूंगा और यहाँ मेरे सभी जीमेल क्लिक आ जाएगा और यहाँ से मेरा जो भी जीमेल होगा वो मैं डाल दूंगा, तो मेरा आईडी ओपन हो गया। कितना इजी रहा ना आपके सामने करके दिखाया। तो यही फायदा होगा कि आप लोगों को जो लॉगिन करने में अभी प्रॉब्लम होता है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, और फेसबुक के प्रॉब्लम की तो अलग ही बात चलती है, तो वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो ये अकाउंट मैनेजमेंट अभी के लिए इंडिया सर्वर में नहीं आया है, ये थर्ड या फोर्थ टाइम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। इंडिया में आने के लिए अभी ओबी वर्जन का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सभी के लिए ये रोल आउट कर दिया जाएगा। तो कैसा लगा ये फीचर्स आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।